आज जो है वो जुमेरात है और मेरी दादी की पहली तबारक है। तो मम्मा ये अपन में बनाते हैं सूजी का, क्यों बना रही हो आप? चार कुछ मीठा बनाते हैं, चार जुमेरात ईसा अलैहि सलाम के लिए कुछ मीठा बनाते हैं। तो अभी मम्मा पहली जुमेरात है तो बना रही हैं सूजी हलवा, ना सूजी का। सो बस दुआ करें, क्योंकि खाना तो पहुँच नहीं सकता, ईसा अलैहि सलाम ही पहुँच सकता है। तो आप भी दुआ करें और देखें कि कैसे बनती है सूजी। अभी तो जो है ना तेल में लौटे खा रही हैं, ये इलायचियाँ फ्राई हो रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं। देखो ये वाली जो है ना ये सबसे ज़्यादा स्विमिंग कर रही है तेल में, घी में। अच्छा हाँ घी में ना, मतलब तो पिघल के तेल ही हो गया ना तो। और ये गई सूजी ऐसी वी आई पी लग रही है। अब ये इसको भुना भुना भुना, अब सूजी स्विमिंग कर रही है घी में। अभी तेल भूलूंगी तो मम्मा डांटेंगी। वी आई पी कैसा प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इनो भी डाल दिया इसमें। एक मम्मा बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं, वो बनाती हैं ऐसी बुरी लग गई तारीफ। वो मम्मा बनाती हैं मलाई का हलवा, पता नहीं कि उसकी रेसिपी शेयर नहीं करती, कौन से खजाने डालती हैं उन्हें। मम्मा उसकी रेसिपी जल्दी शेयर करना आप हमारे व्यूवर्स के साथ, सही है? ठीक। असल में ना अगर मैं देखी मतलब एक सीक्रेट बात बताऊँ, उसमें मेहनत बहुत होती है बुनाई की, और मम्मा का आजकल मेहनत करने में नहीं करता, इसलिए मम्मा उसकी रेसिपी शेयर नहीं करती। भुनने के बाद सूजी में ऐड कर दिया है पानी। मम्मा कितना ऐड किया है? हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर दिया। फिर पानी को थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें ऐड कर दिया चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसको क्या करेंगे? दम पर रखेंगे, बस इसको दम पर रखेंगे और ये फटाफट हलवा तैयार है। तो हेयर इज आर हलवा इज रेडी। अगर आप चाहें तो इस पोजिशन पर कलर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे विद द साइज कोकोनट, यानी जो बारीक कोकोनट होता है। सो यहाँ पर सूजी का हलवा हो चुका है तैयार। फिर हम तबारक में चले गए थे, वहाँ से हमें आते हुए लेट हो गया था। फिर ये नेक्स्ट डे जुम्मे के दिन का है, जब दादी माँ का दसवां था। यहाँ मोहम्मद साहब बहुत तंग कर रहा था तो मैंने उसका हाथ पांव बांध दिए थे टेप से, लेकिन उसने खोल लेते, ज़्यादा देर बांधे नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे पढ़ने के लिए, सिपारे वगैरह पढ़ने होते हैं जो भी। हम दादी माँ के यहाँ गए थे, हम पढ़ ही आए थे। उसके बाद हम आए थे वापस घर पर, क्योंकि मम्मा को खीरज और चावल बनाने थे। तो हम लोग वापसी में जो भी सामान वगैरह चाहिए था वो लेते हुए आए थे। फिर मम्मा ने घर पर आकर चले से खीरज चढ़ा दी थी। तो ये सालन बनकर आ गया है, अब ये इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। चलो मम्मा बवड़ थी, मम्मा दूर कर कैमरा, एक ही पता नहीं कहाँ से आई हमारी जान पर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सो मम्मा ने बना लिया अभी चावल खीरज, है ना, रोटियाँ मंगवा ली हैं, सालन ये रहा बस। हम घर पर आने के बाद मम्मा ने खीरा चढ़ा दी थी, चावल तो जल्दी खैर बन जाते हैं, लेकिन मम्मा ने चावल भी बना लिए थे और खीरज भी बन गई थी। फिर माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर रोटियाँ वगैरह और सालन वगैरह सब आ गया था, तो इधर वर्दा रोटियाँ कट कर रही थी। हम लोग घर से ही सारा कुछ करके गए थे ताकि वहाँ जा कर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे ही हो फातिहा हो जाए और सबको खाने का हो जाए। सो हम लोग सब घर से कर कर गए थे। यहाँ पर ये जो डेकोरेशन के लिए होता है खीरज वगैरह पे, खोपड़ा, बादाम पिस्ते पीसे हुए और चांदी का वर्क, आप लोग क्या कहते हो आई डोंट नो, हम लोग तो उसको चांदनी का वर्क कहते हैं, जो बिल्कुल चांदनी के रैपर जैसा हम खीरज वगैरह पर। माशाल्लाह कौन है? आप लोगों ने उस ऑडियो में मेरी आवाज़ सुनी होगी कौन है। सो यहाँ मेरा कज़न आ गया था और सारे तपीले वगैरह रेडी थे, सब खीरज वगैरह और चावल तो तपीलों में ही थी, बाकी कढ़ाई कोरमा सॉरी और वो हमने तपीलों में ही निकाल लिया था। रोटियां भी मम्मा ने एक शॉपर में बहुत तरीके से बांध कर दे दी थी। फिर मेरा कज़न आया था तो पहले मैं हम लोग थोड़ा बहुत सामान ले गए थे, इस तरह से मम्मा ने शॉपर से भर के दिया था और तपीलों को इस तरह पूरा दुपट्टों में बांध दिया था ताकि गिरे नहीं और कुछ भी ना हो। तो फिर हम लोग गए थे, मैं और मेरा कज़न हम लोग पहले चले गए थे, फिर मम्मा वाले पीछे से आए थे, मैं ये सामान ले गई थी। और मुझे वरदान का वीडियो बना लेना बाइक पर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे अपने मोबाइल की भी टेंशन हो रही थी कि कहीं गिर ना जाए और इसकी भी कि यार पतीला मतलब गिर भी ना जाए, लाना करे यहाँ वो जो कुछ थोड़ा बहुत झटके आ रहे थे बाइक पर, तो मेरे हाथ पर आ गई थी खीरज, ऐसा हुआ था, हो जाता है। सो फिर घर पे आने के बाद मम्मा वाले भी आ गए थे और फातिहा दे दिया था, फिर सब जेंट्स ने खाया, फिर लेडीज़ ने खाया। उसके बाद रात को मुझे मम्मा वाले ने कहा कि तू चली जा, तो वापस मैं एक पतीला उठा के जा रही हूँ। और उसके बाद मम्मा वाले बैठ गए थे उधर बातों में और मैं घर पर अकेली इंतज़ार में बैठी हुई थी।
सो दैट बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ भी हम अहतमाम कर सके वो उन्होंने अपनी बारगाह रसूलत में कबूल फरमाया हो। आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।